किस एज से स्टार्ट हुआ आपको? सर नोटिस होना चालू हो गया था जब से आफ्टर प्यूबर्टी, उसके बाद थोड़ा सा था। फिर आपने कुछ ये कब समझा कि गायनेकोलॉजिस्ट है और उसके लिए आपने क्या क्या ट्रैक किया? मेरा भाई डॉक्टर है, अच्छा उनका तो सर्जरी हो चुका। तो पहले तो लगता था कि मोटापा है। तो उनका रिजल्ट आपने देखा है? देखा मतलब कि कैसे? पहले तो यही प्लान था कि एक्सरसाइज करो जिम जाओ उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में हमने एग्री किया और उसका ग्लैंड का भी होता है। तो उसके बाद लेकिन फिर अपना किया है, आईआईटी किया, जॉब वर्क किया, उसके बाद में भी जॉब करता था। अब करना है लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम तो फेस की होगी इससे काफ़ी टाइम से, और इसको हाइड कैसे कर पाए थे क्योंकि सैगीनेस भी है, साइज भी ज़्यादा है और वेट तो आपको बहुत नॉर्मल, क्योंकि BMI नॉर्मल है। वेट तो आपने पूरा ट्राई किया है लूज करने का? हाइड करने का एक तो दो है, एक तो ओके इस तरह से नीचे कर गया। लेकिन वेट लॉस तो आपने किया, मतलब वेट गेन का मतलब वेट का भी प्रॉब्लम नहीं था ज़्यादा? हमेशा तो अब आपने अभी तो नॉर्मल सिंगापुर में वेट लॉस होता है, सिंगापुर में वेट गेन होता है, वहाँ तो नॉनवेज अच्छा मिलता है, तो फिर तो हो गए खाने का प्रॉब्लम रहता है। ये हमने मार्किंग किया है, इसके लिए ये लाइपोसेक्शन करेंगे और जो है इसी को करके ओके। सो ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये आपका गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। क्या प्रोसेस आप समझा दें? थोड़ा बहुत पढ़ाई होगी होता है प्रोसेस तो वेजर लाइपोसेक्शन और ग्लैंड होगा। सो ये ऑन डेबल रिजल्ट, ऐसे हमने सर्जरी कंप्लीट किया। सो रिलीवियन प्लस वेजर, सो फैट रिमूवल प्लस ग्लैंड रिमूवल प्लस रिमूविंग स्किन टाइटनिंग एंड एब्सोल्युटली गुड इन शेप। सो हमने सिर्फ कोई स्किन में एक्सीजन या स्किन कट नहीं किया है, एंड ओनली हमने रिमूविंग स्किन टाइटनिंग किया है एंड विज़र लाइपोसेक्शन प्लस ग्लैंड रिमूव किया। सो ये फैट, सो ऑलमोस्ट 2.5 लीटर फैट और ये ग्लैंड और टिश्यू हमने रिमूव किया है।